नमस्ते बच्चों, सैन एकेडमी पलिकरनई क्लास 5 हिंदी L2 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक व्याकरण का पाठ पढ़ने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है मुहावरे। मुहावरे यानी idioms। वैसे तो हम लोग हर दिन की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो अभी वो मुहावरे कौन कौन से होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है और उनका वाक्य में प्रयोग, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है। विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। अभी मुहावरे का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मुहावरों का प्रयोग करने से वाक्य अधिक प्रभावशाली और सुंदर लगते हैं। तो अभी कुछ मुहावरे पढ़े, चलो अभी कुछ मुहावरे पढ़ते हैं। आँखों का तारा, अभी इसका अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्चा अपनी माँ को कितना पकड़ के, कितने ज़ोर से पकड़ के बैठा है, क्योंकि अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। तो इसे क्या कहते हैं? आँखों का तारा। देखो, बच्चे माता पिता के आँखों के तारे होते हैं, क्योंकि उसकी जो माँ है उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अभी अगला उदाहरण देखते हैं, मुंह में पानी भराना। अगर हम लोग कुछ स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो क्या होता है? मुंह से पानी आता है ना, आता है या नहीं? हाँ, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? खाने को देख कर जी ललचाना। अब यहाँ पर देखिए, बच्चों को टेबल पर कितना स्वादिष्ट खाना है, देखिए कुछ लड्डू है, आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है, और ऐसा ही स्वादिष्ट खाना देखकर क्या हुआ? देखो, चलो वाक्य पहले बनाते हैं। क्या है? रसगुल्ले देखकर नवीन के मुंह में पानी भर आया। शायद नवीन को ज़्यादा रसगुल्ले पसंद है, इसीलिए। आपको भी पसंद होंगे ना? चलो अभी हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, पेट में चूहे कूदना। और इस मुहावरे का अर्थ है बहुत भूख लगना। अगर आप खेलने के लिए गए और कुछ 5-6 घंटे आप खेलते 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 ही चले गए, उसके बाद आपको पेट में इतना दर्द होने लगा भूख के मारे कि आपको मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो आप घर पे आके क्या बोलेंगे? मम्मी जल्दी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना। तो चलो वाक्य देखते हैं क्या है। माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी अगला उदाहरण, हाथ बटाना, यानी किसी को मदद करना। अगर आप अपनी माँ को या अपने दादा दादी को या फिर पिताजी, अगर किसी को भी मदद करते हैं तो उसे हम लोग कह सकते हैं हाथ बटाना, यानी सहायता करना। हमें घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाना चाहिए, यानी हमें अपने पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए। अभी चलो, तो ये आपको मुहावरे कैसे लगते हैं? आप भी अपने हर दिन के लाइफ में इन मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों। अभी अगला है, ईद का चांद होना। ईद का चांद मतलब कितने बहुत दिनों के बाद दिखता है ना, तभी तो ईद शुरुआत होती है ना ईद की। हाँ, तो ईद का चांद होना यानी बहुत कम दिखाई देना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि हम लोग उन्हें हर दिन तो नहीं देख सकते, या फिर वो लोग बिज़ी होते या फिर हम लोग बिज़ी होते। तो जब हम लोग किसी को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो उसे कहते हैं ईद का चांद होना। अरे नेहा, तुम तो ईद का चांद हो गई हो, बहुत दिनों के बाद दिखाई दी। तो उसका वाक्य प्रयोग हो गया। अभी हम लोग अगला मुहावरा देखते हैं, पीठ थपथपाना। और इसका अर्थ है शाबाशी देना। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अध्यापिका ने मेरी पीठ थपथपाई, यानी जो चित्र में लड़की है वो ना कंपटीशन में फर्स्ट आ गई, टॉप किया है, तो उसकी टीचर ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया, यानी क्या किया? उसकी पीठ थपथपाई। तो देखो, मुहावरे का प्रयोग हम लोग हर दिन के लाइफ में कैसे करते हैं। तो कुछ और भी उदाहरण देखते हैं बच्चों, कमर कसना यानी तैयार होना। अगर हम लोग किसी काम के लिए, जैसे हम लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी होते, कैसे पूरा प्रिपेयर, क्लास वर्क हो, टेक्स्ट बुक को पूरा रीड करके पढ़कर रेडी हो जाते हैं, करेक्ट? तो उसी को कहते हैं कमर कसना या फिर तैयार होना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसा होगा? देखिए, देश की रक्षा के लिए सैनिक सदा कमर कसकर खड़े रहते हैं,
क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं और वो हम अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और देश की रक्षा के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, और इसलिए हम लोग कहते हैं कमर कस के रेडी रहते हैं वो लोग। अभी अगला मुहावरा है लाल पीला होना, यानी बहुत गुस्सा होना। अगर हम लोग किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो मतलब हम लोग उसे क्या कह सकते, लाल पीला होना। मेरे गंदे कपड़े देख कर माँ लाल पीली हो गई, माँ को थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आ गया गंदे कपड़े देख कर। अभी अगला मुहावरा है नाक में दम करना, यानी परेशान करना। किसी को ज़्यादा ही परेशान करते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो उसे कहते हैं नाक में दम करना। चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। अभी हमारा आखिरी मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कभी कभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, हंसते हैं, तो उसी को कहते हैं आसमान सिर पर उठाना। तो वाक्य प्रयोग चलो देखते हैं। अध्यापिका कक्षा से निकलते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठाया। तो देखो वाक्य प्रयोग हो गया। तो ऐसे होते हैं मुहावरे और मुहावरों का अर्थ और मुहावरों का वाक्य प्रयोग। तो जो मुहावरा हमारा व्याकरण का पाठ है यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। धन्यवाद।